सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। तो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में हम लोग पहले टॉपिक का जो स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस चैप्टर पे देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को यूज़ किया जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए एक वेरिएबल करेंट सोर्स लिया है IFT और एक कॉइल लिया है। तो इसको हम लोग समझ पाएंगे, व्हेन अ करेंट चेंज इन अ सर्किट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज इन अ सेम सर्किट एंड वाइस वर्सा एंड EMF V इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि जब कभी भी किसी सर्किट पे करेंट का वैल्यू चेंज होगा तो उसी सर्किट पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक होगा उसके वैल्यू में भी चेंज आएगा, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जब कभी भी किसी सर्किट पे मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू को चेंज किया जाएगा तो उस सर्किट पे करंट का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस इफ़ेक्ट के कारण जो कॉइल है उस कॉइल पे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंड्यूस्ड EMF को लिख पाएंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, या V इज प्रोपोर्शनल टू DI/DT। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोगों ने कैपिटल L से लिखा है। तो V इज इक्वल टू LdI/dt, और इस L को क्या कहा जाता है, L को कहा जाता है इस सर्किट के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के लिए इंडक्टेंस के पहले रिलेशनशिप को देखा, अब हम लोग आगे सेकेंड रिलेशनशिप को देखते हैं। और हम लोग इस रिलेशनशिप को नाम दे देते हैं Equation 1। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से इंडक्टेंस का फार्मूला किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू N∅/I, और यहाँ पर जो N होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, Phi इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज होगा, और I करंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, N∅/L, और इस रिलेशनशिप को हम लोग नाम दे देंगे Equation 2, और इस I के वैल्यू को अब हम लोग Equation 1 पे पुट करेंगे। जब हम लोग Equation 2 से I के वैल्यू को Equation 1 पे पुट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा V इज इक्वल टू LdI/dt, और I के जगह लिखेंगे N∅/L। N और L कांस्टेंट होने के कारण वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो हम लोगों को मिलेगा L(N/L) और हो जाएगा D∅/dt, और ये जो L वाला टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N d∅/dt, और इसको नाम दे देंगे Equation 3। अब हम लोग Equation 1 और Equation 3 को कंपेयर करके लिख पाएंगे
एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी टी डी टी वाला टर्म कट जाएगा और एल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एन डी फाई अपॉन डी आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंडक्टेंस के एक और रिलेशनशिप को डेवलप किया मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के लिए। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के लिए हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले को देखा और उसके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप को देखा। तो अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।